नमस्कार दोस्तों, आप सभी का टेक्निकल नॉलेज चैनल में स्वागत है। तो आज के मॉड्यूल में बात करेंगे 31 मार्च निफ्टी निफ्टी बैंक ऑप्शन मार्केट, 1 अप्रैल का प्रीमियम, इंट्राडे आप कौन से शेयर शॉर्ट सेलिंग कर सकते हैं या फिर पोजिशनल ट्रेडिंग जिसे हम स्विंग ट्रेडिंग भी कहते हैं, इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन आज के मॉड्यूल में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते। तो यह आप देख सकते, मैं खुद से आपको सलाह नहीं देता कि आप ऑप्शन मार्केट खेलिए या फिर इंट्राडे। ये देखिए, मैं काफ़ी टाइम से वीडियो भी नहीं बना रहा था। ये देखिए, जब भी इवेंट बेस्ड ट्रेडिंग होगी तभी आपको इंट्राडे या फिर ऑप्शन मार्केट खेलना चाहिए, तभी आपको प्रॉफिट होगा। 100 में से 90 बार लॉस ही होगा ऑप्शन मार्केट में, तो इसी वजह से मैं वीडियो नहीं बनाता। लेकिन पिछले कुछ दिनों से शेयर मार्केट काफ़ी डाउन जा रहा है, यानी कि मार्च मंथ से, क्योंकि कोरोना वायरस से इकोनॉमी डाउन, ये पूरे रीजंस की वजह से शेयर मार्केट काफ़ी डाउन है। तो इसी मूवमेंट के चलते मैं वीडियो बना रहा हूँ और उसके प्रॉफिट भी कमा रहा हूँ, और आपको ये वीडियो के जरिए मैं बता रहा हूँ कि आप कैसे प्रॉफिट बना सकते हैं। तो ये देखिए, 28 मार्च को ही मैंने 30 मार्च का वीडियो बनाया था, आप देख सकते हैं, दो दिन पहले ही। तो मैंने उस वीडियो में बताया था मार्केट पूरा गिरन था, लेकिन मैंने बताया था ज़्यादा दिन रहने वाला नहीं है, पूरा मार्केट गिरेगा। निफ्टी बैंक मैंने टारगेट 20,000 से नीचे यानी 9,500 का दिया था, लेकिन उससे भी नीचे चला गया है। तो आप देख सकते हैं, पूरी स्टडी करने के बाद ही आपको ऑप्शन मार्केट या फिर इंट्राडे खेलना चाहिए। तो आप देख सकते, आप प्रीमियम 1 अप्रैल का देख सकते हैं, या आप देख सकते 18,800 का। अभी पुट के प्रीमियम बढ़ने वाले, क्योंकि मार्केट अभी भी डाउन जा रहा है। अगर पीछे जाते हो तो ये देख सकते हैं आज क्या हुआ, पूरा निफ्टी सेंसेक्स और निफ्टी बैंक डाउन चला गया है। यूरोपियन मार्केट पे आप देख सकते, लंदन हो गए, पेरिस हो गए, सभी डाउन चले गए, और अमेरिकन मार्केट जो 6 बजे के बाद आपको दिखाई देगा वो भी डाउन ही जाने वाला है, कुछ ग्रीन नहीं। और एशियन मार्केट जो मैंने, वो भी डाउन चला गया। तो पूरे इंडिकेटर यही आपको बताते हैं कि आप मार्केट के हिसाब से चलिए, यानी कि आपको सिर्फ इंट्राडे में अगर शेयर लेते हो तो सिर्फ सेल करना है, बाय नहीं करना है। और कैसे करना है इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन मैं बताऊंगा आपको। तो पहले हम बात करते हैं ऑप्शन मार्केट, और ऑप्शन मार्केट की सलाह मैं उन्हें देता हूँ। ये देखिए, इवेंट बेस्ड ट्रेडिंग के समय आपको ऑप्शन मार्केट खेल, ये देखिए 1,000 पॉइंट की मूवमेंट है, तो आप रिस्क ले सकते हैं। लेकिन कितने, 15-20 मिनट में आपको पोजिशन, आपकी जो पोजिशन है वो आपको स्क्योर अप करनी है, ज़्यादा देर तक नहीं रहना है। मैं आपको इंट्राडे और शॉर्ट सेलिंग के लिए भी शेयर बताने जा रहा हूँ, तो लालच मत कीजिए। क्योंकि ये देखिए, ऑप्शन मार्केट में 5 साल से देख रहा हूँ, ज़्यादातर टाइम आप कोई भी यूट्यूबर देखिए, प्रॉफिट तो ज़रूर दिखाई, लेकिन लॉस कितना हुआ वो कोई नहीं बताता, तो ज़्यादातर लॉस ही होते। अभी इवेंट बेस्ड ट्रेडिंग चल रही है, तो आपको प्रॉफिट हो सकता है, लेकिन आपको ज़्यादा लालच नहीं करनी है। सिर्फ 50 से 100 पॉइंट के मूवमेंट में, यानी कि जो प्रीमियम है, मान लीजिए ये देखिए 18,800 का प्रीमियम है, 850, आपको 900 रुपये तक ही आपका टारगेट फिक्स है। आगे जितना जाता है जाने दो, लेकिन आपको उतना ही टारगेट फिक्स करके आपको अपनी पोजीशन स्क्योर अप करनी है, तो ज़्यादा लालच मत करिए। तो ये देखिए, आपकी टारगेट क्या रहेगा, अब देखिए 1 अप्रैल का पुट 18,000 तक आप नीचे जा सकते हैं, यानी कि उस प्राइस तक आप पुट का कोई भी प्रीमियम ले सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा नीचे मत जाए। क्योंकि क्या होगा कि ज़्यादातर मार्केट में सभी पुट लेने वाले, तो उसकी बदौलत क्या होता है, पुट के प्रीमियम महंगे तो होते हैं लेकिन ज़्यादा बढ़ेंगे नहीं, तो आपको ज़्यादातर लॉस ही होगा। तो ये देखिए, 18,000 से लेकर 18,800 यानी 800 पॉइंट के डिफरेंस में आपको बीच में ही आपको प्रीमियम सिलेक्ट करना है। ज़्यादा नीचे ज़रूर जाएगा, लेकिन कितना जाएगा कोई नहीं बता सकता, तो आपको सेफ मूवमेंट आपको बता रहे हैं 800 पॉइंट की, जो दिन दो दिन में हो सकती है। तो आप जितना पीछे जाएंगे उतना आपको लॉस होगा, तो जितना कम मानिए 18,800 से लेकर 18,200 से लेकर 18,000, ये 3 पॉइंट है, आपको उसी में ही रहना है, यानी कि आपको उसी पॉइंट पे आपको बाय करना है। तो मैं आपको टारगेट देता हूँ 18,800 का, देखिए देखते हैं हम कैंडलस्टिक के ज़रिए, तो ये पूरा डाउन जा रहा है। और अगर आप डेली के देख सकते हैं, तो जब शुरू हुआ था ये आप देख सकते हैं, लो 408 बनाया था और हाई 1,160, यानी कि
इतनी मूवमेंट नीचे जाने के बावजूद भी इसका प्रीमियम ज़्यादातर बढ़ा नहीं, गिरा है। इसकी मेन वजह वही मैं बता रहा हूँ कि सभी पुट का ही प्रीमियम लेंगे तो ज़्यादातर आपको लॉस ही होने के चांसेस है। तो आपको क्या करना है, जितना पास का पुट लेंगे 18,800 से लेकर 18,500 तक मुझे सेफ लगता है, और कम पॉइंट में देखिए 18,000 तक भी जाएगा वो प्रीमियम बढ़ेगा, इसके कोई चांसेस भी नहीं कि नहीं बढ़ेगा, तो 100% ही बढ़ेगा। लेकिन ये देखिए 18,500 तक कम पॉइंट में, मान लीजिए 9:15 बजे आप अपनी पोजीशन लेते हो तो 9:30 बजे तक आप अपना प्रॉफिट बुक करके निकल सकते हो, तो ज़्यादा देर आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं। कभी कभी उल्टा हो जाता है, प्रीमियम आप मान लीजिए 700 रुपये पे लिए लेकिन ऊपर गया, लेकिन ज़्यादातर प्रीमियम की प्राइस बढ़ी नहीं, 600 पर गया 650, तो ज़्यादा देर वेट नहीं करना है और ज़्यादा दूर का भी प्रीमियम नहीं लेना है। तो 18,500 का सेफ है वो प्रीमियम लीजिए। 700 टू प्राइस चल रही, 750 टारगेट देता हूँ फर्स्ट और 800 मैक्सिमम टारगेट है, उतने देर रुके ही मत, लेकिन वो जाएगा ज़रूर, तो उसके बीच ही आपको अपनी पोजीशन सिक्योर अप करनी है। तो बात करते हैं इंट्राडे, जो इससे कम रिस्क है और हम उसे शॉर्ट सेलिंग भी बताएंगे। देखिए बाय के चांसेस में नहीं बताता, आप मेरे पिछले वीडियो देखेंगे मैंने 3 शेयर बताए थे जो रिलायंस से, बजाज फाइनेंस से हो गया और हिंदुस्तान बैंक भी हो गया और बंधन बैंक, मैंने वो बैंक इसलिए बताया था आप देख सकते वो सबसे ज़्यादा गिरेंगे और आप उसमें ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं, चाहे बड़े भी हो गए तो भी बजाज फाइनेंस है, रिलायंस और हिंदुस्तान बैंक, इनमें सबसे ज़्यादा मूवमेंट रहने वाली है। और क्रेडिट रेटिंग आप यहाँ देख सकते हैं, निगेटिव न्यूज़ आ चुके हैं, देखिए ड्रॉप हो गई है बजाज फाइनेंस की। और टारगेट यहाँ आप देख सकते टारगेट दिया है 1740 तक का, तो बजाज फाइनेंस अभी ज़्यादा गिरने वाला है। तो आपको क्या करना है, आपको मार्केट प्राइस से सेल नहीं करना है। होता है कि ये देखिए 9:00 बजे से आप पोजीशन नहीं ले सकते, सिर्फ आपकी पेंडिंग पड़ेगी, और जब भी मार्केट ओपन होगा तो ये पहले से 5-7% नीचे गिर गया होगा, तो आपको उस समय पोजीशन नहीं लेनी है, 9:30 तक वेट कीजिए। जब ये नॉर्मल स्टेज में रहेगा 3%, 2% या 4% भी, तब आपको सेल करना है, शॉर्ट सेलिंग ही होगी। आपको मार्केट की मूवमेंट देखनी है, अगर मार्केट ग्रीन है, मान लीजिए ये निगेटिव जा रहा है, तो आपको सिर्फ स्टॉप लॉस लगा के सिर्फ 10 या 15 मिनट में अपने आपको पोजीशन सिक्योर अप करनी है, ज़रूर गिरेगा। और ये देखिए 50 रुपये का टारगेट लीजिए, मान लीजिए ये देखिए 2250 प्राइस है, तो आपको सिर्फ 2200 तक शॉर्ट सेलिंग करें, यानी कि 2250 को आपने वो सेल किया और 2200 को आपने बाय किया, तो सबसे सेल ये 200 पॉइंट भी नीचे जाएगा, 100% गारंटी। लेकिन कम टाइम में आप कैसे प्रॉफिट बना सकते बिना रिस्क के, तो ये मैं बता रहा हूँ, और सबसे सेफ है किसी भी समय कीजिए, आपको ज़रूर प्रॉफिट होगा, लेकिन 9:30 के बाद का समय अच्छा है क्योंकि उस समय मार्केट स्थिर होता है, उसमें उसी मूवमेंट से पूरा मार्केट चलता है, जो 3:30 बजे तक वही मूवमेंट कैप्चर रहेगा, अगर निगेटिव है तो निगेटिव रहेगा, तो वो मूवमेंट सबसे बेस्ट होती है, तो आपको वही मूवमेंट का वेट करना है। तो फर्स्ट शेयर हो गया बजाज फाइनेंस जो मैंने अभी बताया, मान लीजिए 2200 पर ही ओपन हो गया या फिर 2180 या 2150, तो कोई घबराने की ज़रूरत नहीं, वहाँ भी आप सेल कर सकते क्योंकि उस समय मैंने बताया मार्केट शुरू हो गया होता है 9:30 बजे का समय, और जब भी कोई शेयर वहाँ से गिर रहा होता है तो क्या होता है, जो इंट्राडे ट्रेडर होते हैं वो सभी शॉर्ट सेलिंग पोजीशन करते हैं, तो कोई रिस्क नहीं और चांसेस नहीं कि आपको लॉस होगा, आपको ज़रूर प्रॉफिट होगा, लेकिन ज़्यादा वेट मत कीजिए कि 500-1000 तक गिरेगा, तो उसी चलते आपको लॉस ज़रूर होता है, तो 100 या 50 का पॉइंट डिफरेंस रखिए, आपको ज़रूर प्रॉफिट होगा। मान लीजिए 2200 का आपने सेल किया 2100 तक गए, आपको लगता है और नीचे जाएगा, तो आप क्या कह रही है, स्टॉप लॉस लगे, मान लीजिए 2250 मैंने जैसे 2150 आपका प्रॉफिट बुक रहेगा 50 रुपये का, आपको लगता है कि ये और नीचे जाएगा और 2100 तक गए, तो आपको क्या करना है, 2120 से 130 के ट्रिगर प्राइस रखनी है, मान लीजिए ऊपर भी चला गया तो वो आपका हिट होकर आपको प्रॉफिट मिलेगा, और ये नीचे चले गए मान लीजिए 2000 तक गया तो आपको 2050 को ट्रिगर प्राइस रखनी है, ऐसे ऐसे प्राइस का कट ऑफ कर सकते हैं, तो इससे
रिस्क भी नहीं और प्रॉफिट भी आपका बढ़ेगा। तो ये ट्रिक है जो कोई नहीं बताता, ये मैं बता रहा हूँ, आप ये भी ट्रिक काम ले सकते हैं। सेकेंड है जो इंडसइंड बैंक और बंधन बैंक है, जो मैंने पहले ही वीडियो में बताया था, ये हमेशा टॉप में रहेगी गेनर में या फिर लूजर में। ये देखिए इंडसइंड बैंक लूजर में आप देख सकते हैं, बंधन बैंक। तो मैंने भी आज के दिन ये देखिए 240 में मैंने अपनी पोजीशन शॉर्ट सेलिंग की थी और 230 में मैंने ये शेयर बाय किया था 10 रुपये से। मुझे पता था ये नीचे गिरेगा लेकिन मैं रिस्क नहीं लेता, मैं हमेशा यही बता दूँ। जब भी कोई स्टॉक कम प्राइस का है, मान लीजिए आपको शॉर्ट सेलिंग के लिए मैंने एक रूल बताया कि 200 के नीचे का शेयर कभी मत लीजिए। अगर मूवमेंट वाला है, 5% वाले मूवमेंट वाले शेयर में आपको इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है, जो आपको कोई नहीं बताता, ये रूल अपना लीजिए, आपको लॉस नहीं होगा कभी भी। लेकिन आपने अगर रूल नहीं अपनाया तो आपको ज़रूर लॉस होगा इंट्राडे में, आपको कोई नहीं बचा सकता। ये देखिए एक कैंडल स्टिक, आप कितने भी वीडियो देख लीजिए, दुनिया का कोई भी ट्रेडर आपको बताएगा, लेकिन तब भी लॉस होगा ही होगा। तो मैं यही बताता हूँ, 200 के नीचे अगर कोई शेयर होता है तो 5% मूवमेंट में आप उसे कभी भी बाय मत कीजिए, या फिर बाय या सेल इंट्राडे के लिए मत लीजिए। 200 से ज़्यादा प्राइस है और उसकी मूवमेंट 5% से ज़्यादा है, जैसे मान लीजिए बंधन बैंक की 13% है, इंडसइंड बैंक की अभी नहीं बता रहा है, लेकिन ये आप देख सकते क्लोज प्राइस से लेकर ओपनिंग प्राइस तक 411 से लेकर 370 तक आप देख सकते हैं 5% से हाई प्राइस है, 5% मिनिमम प्राइस है इसकी अप डाउन की। और बंधन बैंक की भी आप देख सकते 15% से लेकर 20% मैक्सिमम है, तो और मिनिमम 5%। तो आप इसमें ही रिस्क लीजिए, बाकी कोई भी शेयर हो 100 का या 50 का, अगर 5% की मूवमेंट आपको कैसे पता चलती है? तो मैंने हमेशा ये बताया कि स्टडी ज़रूरी है। तो उसी बदौलत में ऐसे कुछ ही शेयर आपको हमेशा बताता हूँ जिसका मार्केट से कुछ लेना देना नहीं और उसकी मूवमेंट हमेशा ज़्यादा ही रहती है और हर समय ये शेयर चेंज ही होगी। तो उस स्टडी के हिसाब से मैं बताता हूँ, अभी बंधन बैंक का टाइम आ गया, येस बैंक तो रिप्लेस हो गई और इसकी मूवमेंट आप देख सकते हैं हर दिन 10-15-20% नॉर्मली। ये देख सकते हैं प्रीवियस क्लोज 250 से लगभग और लो आज 212 तक बनाया था, तो आप देख सकते हैं कितने परसेंट की मूवमेंट है। तो बंधन बैंक आपको मार्केट प्राइस में सेल नहीं करना है, वो उस समय ज़्यादा सेलर से की वजह से 5-6 से 7% डाउन ही ओपन हो गई होती, सॉरी। तो उस चलते आपको लॉस भी होगा और आपको ज़्यादा समय 3 बजे तक या फिर 2 बजे तक रुकना पड़ेगा और कोई भी गारंटी नहीं दे सकता कि ये नीचे जाएगा, तो वो रिस्क ज़्यादा होती है। तो मैंने क्या बताया कि 9:30 बजे के बाद ही आपको पोजीशन लेनी है और ये शेयर हमेशा 3% गिर गया होगा तभी, या फिर 1% गिर गया तभी अच्छी बात है, लेकिन 7% 8% पहले से गिरा हुआ है और आप शॉर्ट सेलिंग कर रहे हो तो ये रिस्क है, तो ना ही लो तो ये अच्छा है। तो मान लीजिए अगर बंधन बैंक कल 210 में ओपन होता है तो आपका टारगेट रहेगा 200 का, 190 का मैक्सिमम, लेकिन 200 तक आपको अपनी पोजीशन स्क्वायर अप करनी, ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रॉफिट होगा। तो सेकेंड है सबसे ज़्यादा रिस्की इंडसइंड बैंक, जिसमें ट्रेडर गेम सबसे ज़्यादा चलता है, वन टाइम सेलर होते एक दिन में आप देख सकते हैं या फिर वन टाइम बायर्स, तो इसमें सबसे ज़्यादा रिस्क है। अगर ये ना लो, आपको टाइम नहीं है, ना लो तो ये अच्छा है। अगर ज़्यादा टाइम बचता है तो आप कम पैसा लगाइए, क्योंकि ये शेयर ऐसा है कि इंट्राडे ट्रेडर पर चलता है, एक वन टाइम बायर ज़्यादा है और वन टाइम सेलर। तो आपको क्या करना है, आपको ये शेयर लगभग 11 बजे के बाद ही लेना है, 11-12 बजे से के बाद इसकी मूवमेंट लगभग पता चलती है। मान लीजिए देखिए कैंडल स्टिक आपको लगाता हो तो 5 मिनट की, तो ये आप देख सकते कैंडल स्टिक मैंने लगाए देखिए 405-403। लेकिन अगर आपने देखे शुरुआत के समय इतनी मूवमेंट रही नहीं इसकी, आप देख सकते, तो सबसे ज़्यादा रिस्क इसी शेयर में है कि ये शेयर आप 9:30 बजे के बाद ले लो ही मत, 11:30-12 बजे जब इसकी वन टाइम मूवमेंट रहती है, यानी कि बायर सो सेलर, तभी आपको शेयर लेना है। मान लीजिए इसके बायर से मार्केट नेगेटिव जा रहा है लेकिन उसका कोई लेना देना नहीं, आज भी देख सकते हैं पॉजिटिव है, कोई भी न्यूज़ नहीं,
तो आपको उसी टाइम अपनी पोजीशन लेनी है। पहले आप मार्केट डेप में बायर देख लीजिए, और में आप देख सकते हैं यानी कि चार्ट में हर किसी का अलग अलग होता है, 5 मिनट के या 10 मिनट के कैंडल लगाए, 3 या 5 मिनट के आपको कैंडल रखनी है। ये देखिए अब ट्रेंड चल रहा है, या दो कैंडल लगने के बाद ही आपको अपनी पोजीशन लेनी है। जैसे एक कैंडल लग गई है ग्रीन की, लेकिन अगली कैंडल जब ग्रीन के ऊपर जब जाएगी तब भी आपको पोजीशन लेना है। कभी कभी मार्केट उससे बाउंस बैक करके डाउन जाता है, तो ये प्रिकॉशन आप रखेंगे तो आपको लॉस कम से कम होगा और ज़्यादातर प्रॉफिट ही होगा। तो इंडसइंड बैंक का भी यही है। अब बात करता हूँ मैं स्विंग ट्रेडिंग के लिए, तो यहाँ देख सकते हैं दो शेयर का अच्छे जील, जो ज़्यादा मैं इन्फॉर्मेशन नहीं देता, सिर्फ एरो फार्मा की यानी अरबिंदो फार्मा की मैं इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ स्विंग ट्रेडिंग के लिए। यानी मान लीजिए कल मार्केट ओपन हुआ 380 पर, एक शेयर आपने लिया डिलीवरी में आपने लिया, देखिए जीरो दे या फिर अप स्टॉक में तो ब्रोकरेज जीरो है, ज़्यादा टैक्सेस नहीं लेते लगते। डिलीवरी में आपने ये शेयर लिया यानी कि सीओसी कैश ऑन कैरी भी कहते इसे, तो आप मान लीजिए 380 पे लिया, 390 पे चला गया, तो आप उस दिन भी अगर आप सेल करते हो तो कोई टैक्स नहीं लगता, सिर्फ इंट्राडे में कंसिडर होगा, डिपॉजिटरी टैक्स नहीं लगता जो सबसे ज़्यादा होता है, आपको प्रॉफिट होगा। मान लीजिए नीचे ही चला गया तो आपको क्या करना है, 380 का शेयर था, आपको फर्स्ट टारगेट है 350 का, चला नहीं गया, 360 या 370 ही चला गया, तो आपको फिर से बाय नहीं करना है। ज़्यादातर लोग यही गलती करते हैं, आप स्विंग ट्रेडिंग का ये रूल है मैं जो बता रहा हूँ उसी ट्रिक से आप चलिए, आपको लॉस नहीं, आपको सिर्फ कंपाउंडिंग फार्मूले से रिटर्न ज़्यादा मिलेंगे किसी भी टाइम। तो आपको बाइंग प्राइस रहेगी 380 पर आपने बाय लिया, तो सेकंड बाइंग प्राइस रहेगी 350 की, और थर्ड बाइंग प्राइस रहेगी 300 की, और आपको हमेशा हाफ प्राइस यानी कि मान लीजिए आपने 100 क्वांटिटी बाई की 380 पर, तो 350 पर 50 क्वांटिटी, 300 तो 25 क्वांटिटी, और 200-250 तक चला गया तो आपको सिर्फ रिवर्स करना है, 100 क्वांटिटी बढ़ानी है तो ज़्यादा प्रॉफिट होगा। तो उसकी नौबत तो नहीं आएगी अभी मैं बता रहा हूँ, क्योंकि ये शेयर स्विंग ट्रेडिंग यानी कि 2 या 3 दिन 1 हफ्ते के अंदर ही आप सेल कर सकते हो, क्योंकि इसकी मूवमेंट वैसी है, 350 से लेकर 400 तक इसकी मूवमेंट है, ज़्यादा नीचे जाता है तो मैं बता रहा हूँ क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए भी अच्छा है, और 1 या 2 मंथ में आपको अपनी पोजीशन स्क्योर अप करने का ज़्यादा मौका मिल सकता है। अगर मार्केट मान लीजिए क्रिटिकल कंडीशन में चला गया तो 1 से 2 मंथ रिकवरी में लग सकती है, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं, और कम से कम 4 या 5 दिन यानी 7 डेज यानी 1 वीक की एक्सपायरी आप मान सकते हैं ऑप्शन मार्केट की, उतना दिन में रिकवर होगा और आपको ज़्यादा प्रॉफिट होगा। तो इसका टारगेट मान के चलिए 380 की बाइंग प्राइस है, और उसका टारगेट 400 का है, 390-400 तक यह आसानी से चला जाएगा, 1 दिन में 3 से 5% इसकी भी मूवमेंट है, तो आप इंट्राडे खेल सकते हैं, लेकिन इसमें इतनी ज़्यादा मार्केट डेप नहीं यानी कि वॉल्यूम इतनी ज़्यादा है ही नहीं वन टाइम बाय रेसल जो काफ़ी निफ्टी बैंक या फिर निफ्टी में, तो वही शेयर आप इंट्राडे में लीजिए, ये शेयर मत लीजिए क्योंकि लालच के चलते आपको ज़्यादातर लॉस ही होगा इस शेयर में, तो इंट्राडे के लिए नहीं, लेकिन ये स्विंग ट्रेडिंग के लिए सबसे अच्छा शेयर है। लगभग इसने मुझे 20,000 का प्रॉफिट दिया अभी तक 1 मंथ में, तो मैं क्या करता हूँ इसकी 200-300 क्वांटिटी बाई करते हैं, जैसे मैंने 350 पे बाई की थी, 370 पे सेल की, फिर से नीचे आ गया, आज 400 तक चला गया था, तो मैंने फिर से वो 400 में सेल किया, बाय नहीं किया, बाय करने वाला था लेकिन ये देखिए 370 का मेरा टारगेट था, लेकिन उस प्राइस तक नहीं चला गया, तो आपको वही वेट करना है, 30-40 रुपीज़ डाउन का ही वेट करना है, और 40 रुपये के बीच में आपको स्विंग ट्रेडिंग करनी है, तो उससे आपको ज़्यादा प्रॉफिट होगा। तो अगर आपको और कोई शेयर की इन्फॉर्मेशन चाहिए अदर शॉर्ट सेलिंग्स के अलावा भी, तो मुझे कमेंट के ज़रिए बता सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।